एक श्रृंखला करने वाली हूँ सामना और विरोध करने पर। आज और कल हम बात करेंगे डर का सामना करने के बारे में, क्योंकि अच्छा होगा यदि आप समझ लेंगे कि डर की भावना ने कभी आपके जीवन में पूर्णता जाना नहीं है। जब बाइबल हमें न डरने को कहती है, उसका अर्थ ये नहीं कि हमें डर की अनुभूति नहीं होगी, बल्कि ये कि जब हमें डर लगे हमें वो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए जो हमें विश्वास हो हमसे करने की अपेक्षा है। डर महसूस होने पर आप कायर नहीं बनते, हम तब कायर होते हैं जब हम उस पर भावना से परास्त होते हैं, और ऐसा करने पर हम परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं और शत्रु की आज्ञा का पालन करते हैं। डर हमारी प्रगति को रोकता है। क्या कोई है जिसे अनुभव होता है कि उन्होंने डर को अपने को वो करने से रोकने दिया है जो करने की आपसे अपेक्षा थी? आइए देखें। ठीक है, इसलिए हमें डर का सामना करने की बात करनी है। मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ जब आखिरकार मुझे समझ आई कि मैं डर की भावना पर नियंत्रण नहीं कर सकती थी, कि कई मौकों पर चाहे वो नई परिस्थितियां होंगी या कठिन परिस्थितियां या ऐसी परिस्थिति जहां ऐसा लगेगा कि कोई उपाय नहीं है, मेरे डरने की बहुत संभावना थी, पर मैं उसे डरते हुए करना सीख सकती थी। मैं तब भी वो कर सकती थी जब मुझे विश्वास था कि परमेश्वर मुझसे करवाना चाहते थे, चाहे उस समय मैं कांप रही होती, व्याकुल, आशंकित होती, या हमें जैसे भी शारीरिक संकेत दिखते हैं डर के कारण। हम सामना करने की बात करेंगे अपने जीवन की समस्याओं और परिस्थितियों का भी। हम अतीत का सामना करने की बात करेंगे, हम निडरता से भविष्य का सामना करने की बात करेंगे। हम बात करने वाले हैं उन लोगों का सामना करने की भी जो हम पर नियंत्रण करना चाहते हैं और चालाकी से काम निकालते हैं। सामना करना ऐसा काम है जिससे ज्यादातर लोग घृणा करते हैं, पर वह ऐसा काम है जिसे यदि आप नहीं करेंगे अपने जीवन में, यदि आप शैतान का विरोध करना नहीं सीखेंगे, यदि आप सीखेंगे नहीं समस्याओं परिस्थिति का सामना और विरोध करना, यदि आप सीखेंगे नहीं कि कई बार आपको लोगों का विरोध करना पड़ेगा, तब मैं आपको बता सकती हूं कि आपका जीवन दुखद होगा और आप कभी भी वो नहीं कर सकेंगे जिसके लिए आपको बनाया गया है इस दुनिया में। लोग कहते हैं मुझे विरोध करने से नफरत है, मैं विरोध करने में बिल्कुल माहिर नहीं हूं, मैं किसी को नहीं जानती जिसे यह प्यारा है, पर मैं आपको बता सकती हूं कि आपको सीखना होगा वो करने का तरीका और आपको उसे सही तरीके से करना सीखना होगा। इसलिए पिता, हम अपना वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, हमें विश्वास है कि सभी को मदद मिलेगी। मुझे विश्वास है कि मेरे सहित सभी को इस वचन की आवश्यकता है, इसलिए मैं अपने लिए प्रचार करके आरंभ करूंगी। धन्यवाद प्रभु, आमीन। निर्गमन 14। मुझे बेहद खुशी है कि परमेश्वर ने मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया है, क्योंकि मैं लोगों से हमेशा कहती हूं यदि आपको वो अच्छा ना लगे तो मैं अपने लिए प्रचार करूंगी। इसराइलियों ने परमेश्वर से उन्हें मिस्र से निकालने की विनती की, वो वहां पर गुलाम थे। मुझे विश्वास है उन्होंने बहुत समय तक प्रार्थना की होगी। परमेश्वर ने उन्हें बताया वो उन्हें मिस्र से निकाल लाए, अपनी शक्ति के द्वारा वे उन्हें बाहर लाए मिस्र में से। परमेश्वर ने सचमुच उन्हें कई निशान, चमत्कार और अजूबे दिखाए, मेरा मतलब ऐसी चीजें जिन्होंने उन्हें विश्वास की एक दृढ़ चट्टान में बदल देना था। हम सोचेंगे कि वो चमत्कार देखने के बाद वे आइंदा कभी भी परमेश्वर पर शक नहीं करेंगे, न उन्हें किसी प्रचार का भय होगा। और देखते ही देखते वे जंगल में पहुंच गए और परमेश्वर उन्हें जानबूझकर सीधा लाल समुद्र में ले गए। बाइबल के अनुसार वहां एक मार्ग था जिससे वे उन्हें ले जा सकते थे, जो करीब था, जो उन्हें लाल समुद्र के पार ले जा सकता था, क्योंकि वे अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। बहुत दिलचस्प बात है, वे उन्हें सीधा लाल समुद्र में ले गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि मिस्री सेना उनके पीछे आ रही थी, इसे कहते हैं आकाश में टपकी और खजूर में अटके। एक बात कहती हूं इससे संबंधित, परमेश्वर हमें हमेशा आसान मार्ग से नहीं ले जाते, इसलिए बहुत बार अपने जीवन में हम समझ नहीं पाते क्या चल रहा है और वो अन्यायपूर्ण लगता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर परमेश्वर है और निश्चित रूप से उनके पास वो करने का आसान तरीका है जो वो कर सकते हैं, पर फिर भी ऐसे लगता है जैसे जीवन में सभी कुछ कठिन 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 है। वे वादे की पृथ्वी की ओर उनकी अगुवाई कर रहे थे, पर वे जानते थे कि वहां पहुंचने पर भी उनके शत्रु होंगे और वे उन शत्रुओं का सामना करने को तैयार नहीं थे। क्या आप सोचते हैं केवल इसलिए कि मैं सेवकाई में हूं मुझे शत्रुओं का सामना नहीं करना पड़ता? आज यहां कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने गिरजे में आराधना की अगुवाई करना चाहते होंगे, कुछ प्रचार करना चाहते हैं, आपकी बहुत इच्छा है अपना व्यापार करने की, ऐसी कई भिन्न भिन्न चीजें हैं जो हम चाहते हैं। पर आपको समझना है कि नए स्तर का हमेशा अर्थ होता है नए हमले।
इसलिए किसी तरह की प्रगति के लिए प्रार्थना करना और उसके साथ जो मिलता है उसके लिए तैयार न होना बहुत बड़ी मूर्खता है। मैं ये नहीं जानती थी जब परमेश्वर ने पहल मुझे वो करने के लिए बुलाया जो मैं करती हूँ, मुझे वैसे ही सीखना पड़ा जैसे हम सभी को सीखना होता है कि शैतान हमारी राह में फूल नहीं बिछाएगा केवल इसलिए कि हम पवित्र आत्मा से भरपूर होने का फैसला करते हैं, पाप मुक्त होने का फैसला करते हैं, दशमांश देने का फैसला करते हैं, क्योंकि हम असल में स्वार्थ और आत्म केंद्रिकता से ऊपर उठकर एक मसीह की तरह जीने और अन्य लोगों के लिए आशीष बनने का फैसला करते हैं। जब भी हम किसी तरह की प्रगति करते हैं, ध्यान से सुने, जब भी हम आगे की ओर कदम बढ़ाते हैं शैतान हमारे विरुद्ध कोई कदम उठाता है ये देखने के लिए कि हम पीछे हटते हैं या नहीं। इसलिए आपको सीखना है कि कैसे डटे रहना और कहना है यदि परमेश्वर मेरी तरफ है तो कौन मेरे विरुद्ध होगा, यदि परमेश्वर मेरी तरफ है तब कौन मेरे विरुद्ध होगा। कई बार आपको तैयार रहना पड़ता है डटे रहने के और कुछ कष्टों को सहन करने के लिए भी। मुझे वह करने के लिए जो मैं कर रही हूं, अपनी पहचान के लोगों में अपनी ख्याति गंवानी पड़ी थी, मुझे अपने गिरजे से निकाला गया, मैंने अपने मित्र गंवाए क्योंकि महिलाएं वो नहीं करती थी जो मैं करती हूं। 35 वर्ष पहले परमेश्वर से संबंध होने से जुड़ी हर बात हमेशा हमारे शरीर को अच्छी नहीं महसूस होती पर वो अंत में सचमुच लाभकर होती है, वो सचमुच लाभकर होती है। अंत में अपने भाग्यों को मत गवाइए, परमेश्वर के द्वारा तय किए भाग्य से केवल इसलिए मत वंचित रहिए क्योंकि आप इस वक्त आराम चाहते हैं, क्योंकि यदि आप अपने शरीर के लिए आराम खोजेंगे तब आप अपने आत्मा में दुखी होंगे, पर यदि आप परमेश्वर के साथ मंजिल तक जाएंगे तब आपके शरीर को थोड़ी अस्थाई बेचैनी होगी पर आपके अंदर क्षतिपूर्ति करने के लिए आनंद और शांति होगी। कुछ भी बेहतर नहीं होता, कुछ भी बेहतर नहीं होता परमेश्वर के जानने से, और ये जानने के लिए कि आप ठीक बीचों बीच अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा के, आप किसी ऐसी चीज के स्वामी नहीं हो सकते, ना किसी ऐसी पदवी पर हो सकते हैं जो इससे बेहतर हो। आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हो सकता हो उससे बेहतर हो। कुछ भी हमें संतुष्ट नहीं कर सकता परमेश्वर की तरह। तो यहां इसराइलियों ने अपने को पाया एक बहुत भयानक परिस्थिति में। उनके सामने लाल समुद्र था, उन्होंने अपने पीछे देखा मिस्री सेना को, और इस दुविधा का उनका हल यह था कि वे यहीं लौट जाए जहां से वे आए हैं। अफसोस, वे भाग कर वहीं जाना चाहते थे जिससे वे आदि थे, बेशक वो वहां सताए जाने के आदि थे। अनजाने का सामना करने की बजाय लाखों लोग दयनीय परिस्थिति में रहते हैं क्योंकि वे डरते हैं अनजाने से। हमें बदलाव के लिए बनाया गया है, हमें परमेश्वर ने विविधता के लिए, ताजगी और नवीनता के लिए बनाया। हम वो चाहते हैं उसकी लालसा करते हैं। हमें बदलाव के लिए बनाया गया है, हमें परमेश्वर ने बनाया है विविधता के लिए, ताजगी और नवीनता के लिए। हम वो चाहते हैं उसकी लालसा करते हैं पर हम उससे भयभीत होते हैं। हमें बदलाव के डर से ऊपर उठना चाहिए। केवल इसलिए कि आपने कुछ पहले कभी नहीं किया है इसका यह मतलब नहीं कि वो अच्छी चीज नहीं हो सकती। आप उस परिस्थिति के बारे में सोचिए जिसमें वो थे अपने सामने लाल समुद्र के बारे में सोचिए, पीछे मिस्री सेना के बारे में सोचिए। आप मिस्र से बुरी परिस्थितियों से निकले हैं जहां आप इतने वर्षों तक गुलाम थे, अब आप क्या करेंगे? वचन 13, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े दृढ़ता, आत्मविश्वास और निडरता से वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। खड़े रहो और देखो, देखो यहोवा के उद्धार को। डर शब्द होने का अर्थ है भागना या पलायन करना। जब हम डर से हारते हैं हम हमेशा किसी ऐसी चीज से दूर भागते हैं जिसका हमें सामना करना चाहिए। परमेश्वर चाहते थे कि वे आगे अनजाने की ओर जाए। परमेश्वर चाहते थे कि वो गुलामी से इतने ऊब गए हों
कि वे यहीं पे कहीं, यदि मैं लाल समुद्र में कदम रखूं और डूब जाऊं वो बेहतर होगा, वहां लौटने से जहां से मैं आया हूं। परमेश्वर चाहते थे कि वे नीडर और साहसी बने, वे चाहते हैं कि हम भी नीडर और साहसी बने। उन्होंने कहा, डरो मत। मुझे उनका यह कथन दिलचस्प लगता है, क्योंकि जब डर की भावना हम पर हावी होती है और हमारे मन केवल एक के बाद दूसरी मूर्खतापूर्ण बातें सोचते हैं, हमें सबसे पहले आवश्यकता होती है शांत होने की, अपने दिमाग से उस भावना से बाहर निकलने की और अपने दिल से ये जानने की परमेश्वर इस परिस्थिति में क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। आप में से कुछ शायद इस वक्त जीवन में उस परिस्थिति में है, टीवी के कुछ दर्शक शायद इस वक्त अपने जीवन में इस परिस्थिति में, आपको महसूस होता है मानो आप कुएं और खाई के बीच हैं, आप मिस्री सेना और लाल समुद्र के बीच में हैं, आपकी भावनाएं नियंत्रण में नहीं है और आपके मन में गड़बड़ मची हुई है और आप अपने ऐसे मित्रों से फोन करके कुछ पूछ रहे हैं आपको क्या करना चाहिए, जो ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, ये कितना बेकार काम है। बताइए ना, मुझे क्या करना चाहिए, आपके विचार से मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, आपने अपनी तरफ देखा है? हमें परमेश्वर से थोड़ा परामर्श करना चाहिए, हमें आवश्यकता है शांत रहकर परमेश्वर से वचन प्राप्त करने की और उसके बाद वो करने की जो हमें विश्वास हो परमेश्वर हमें करने को कह रहे हैं, और तब हम देखेंगे यहोवा के उद्धार के कामों को हमारे लिए। वचन 15 के अनुसार, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तो क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? मुझे यह अगला हिस्सा प्यारा है। इसराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें। ध्यान दीजिए, प्रभु का आपके लिए आज यही वचन है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, पीछे मत देखिए, पीछे मत जाइए, पीछे मत भागिए, दूर मत भागिए, आगे बढ़िए। यदि आपने कुछ करने का फैसला कर लिया है और आपकी राह में बहुत कठिनाइयां हैं, आगे बढ़िए, ये रुक अपनाइए, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं वो करने वाला हूं जो परमेश्वर ने मुझसे करने को कहा है, चाहे मुझे जो भी मूल्य चुकाना पड़े, मैं वो करूंगा जो परमेश्वर ने मुझे करने को कहा है। मैं आज आपसे निवेदन कर रही हूं कि आप परमेश्वर के साथ अपना सफर पूरा करें, परमेश्वर के साथ अपना सफर पूरा करने की कोशिश करें। कृपया 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 हिम्मत ना हारें, चाहे वो कठिन हो, चाहे आपको महसूस हो कि आपके सामने लाल समुद्र है और पीछे मिस्री सेना है। मेरी विनती है कि आप रुकिए मत, बल्कि कोशिश करते रहिए और वैसे बनिए जैसा परमेश्वर चाहते हैं कि आप बने, ताकि आपको वो सब मिल सके जो वो चाहते हैं कि आपको मिले आपके जीवन में। परमेश्वर की थोड़ी महिमा कीजिए, आमीन। कृपया 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 हिम्मत मत हारिए। पहले मुझे बहुत डर, बहुत उलझन और बहुत खलबली मची रहती थी, और अब मुझ में सचमुच बहुत शांति है और आनंद है, और मैं अपने जीवन के हर दिन का आनंद उठाती हूँ। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ होती हूँ, मैं आनंद उठाती हूँ। और मैं वहाँ बैठकर सोच रही थी कि प्रतीक्षा करते वक्त मैं कितनी शांतिपूर्ण थी और पहले मैं कैसी हुआ करती थी, मेरा मतलब क्या कोई ऐसा है जो ऊब गया है उलझन, चिंता, डर, फिक्र और उनके साथ प्राप्त होने वाला हर प्रकार के अत्याचार और असुरक्षा से। मैं आपको बताना चाहती हूं कि परमेश्वर मनुष्यों में पक्षपात नहीं करते, ये कुछ ऐसा नहीं है जो वो केवल मेरे या कुछ चुनिंदा लोगों के लिए करते हैं। परमेश्वर के वादे हम सभी के लिए होते हैं, केवल उनके लिए नहीं जिन्हें वादे मिलते हैं, पर जो कोई भी वो करता है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें, वो वादे प्राप्त करने के लिए। और परमेश्वर हमसे कुछ अपेक्षाएं करते हैं, पर शुभ समाचार ये है कि आपको वो अपने बल पर नहीं करने होते, क्योंकि वे आपको वो करने की शक्ति देंगे जो वो चाहते हैं कि आप करें। दूर मत भागिए, बिल्कुल नहीं। न्यायियों 7:2 को देखते हैं, क्या किसी को ऐसा लगता है कि उन्हें जीवन में उस शिक्षा की आवश्यकता पड़ सकती है? आप शायद यहां थोड़े समय के लिए आए हैं और अब सोच रहे हैं, काश मैं पूरी कॉन्फ्रेंस के लिए आया होता, तब आप अपनी योजना को बदलते क्यों नहीं, ताकि आप कल सुबह यहां लौटकर आ सकें। आप कहेंगे, पर मुझे काम पर जाना है। आप एक दिन की छुट्टी ले सकते हैं, पर यदि आप बीमार नहीं है तो बीमारी का बहाना मत बनाइए।
कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये करने की मूर्खता करते हैं। वे झूठी बीमारी का बहाना बनाते हैं ताकि वे आ सकें एक मसीह कॉन्फ्रेंस में। कई बार मैं लोगों को पकड़ना और तब तक झंझोड़ना चाहती हूं जब तक सब जो कमजोर हैं निकल न जाए। अच्छा होगा यदि आप एक दिन की छुट्टी लेंगे। आप सोचेंगे किसी महिला से प्रचार सुनने के लिए छुट्टी लूं, मैं नहीं समझता ये ऐसा ठीक होगा। पर एक बात याद रखिए, यदि आपके जीवन में परमेश्वर के लिए अधिक भूख नहीं है तब मेरे विचार से आपको एक बार और पहाड़ के आसपास जाना होगा। तब जब आप तैयार नहीं होंगे उग्र बनने और वो करने के लिए जो आपको करना चाहिए। न्याय योग 7 में हम एक दिलचस्प परिस्थिति देखते हैं। गिदोन और उसके साथ जो लोग थे एक बड़े युद्ध का सामना करने वाले, और गिदोन के पास 32,000 सिपाही थे, पर परमेश्वर ने उसे वचन 2 में कहा, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है वे इतने हैं कि मैं मिघानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। हम सोचते यदि हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास कितने अधिक सिपाही होंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, परंतु परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम्हारे पास बहुत अधिक सिपाही है यह जंग जीतने के लिए। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? एक इसलिए कि जब वो विजयी होते परमेश्वर चाहते थे कि वे जाने कि वे केवल उनकी वजह से विजयी हुए हैं, अधिक सिपाहियों के कारण नहीं। मैं इस पूरे संदेश पर प्रचार नहीं करूंगी जो प्रचार के लायक है, बल्कि मुझे कुछ और बातें कहनी है। परमेश्वर ने सबसे पहले उनसे कहा, मैं चाहता हूं तुम पहले उनसे पीछा छुड़ाओ जो भयभीत है। हम भयभीत लोगों के दल के साथ कुछ अधिक नहीं कर सकते। इतने सब वर्षों में जो मैंने सेवकाई में बिताए और लोगों के साथ काम किया है, कुछ भी इससे अधिक थकाऊ नहीं जितना हमेशा ऐसे लोगों से निपटना जो होते हैं असुरक्षित और डरते हैं हर चीज से, क्योंकि हमें लगातार कोशिश करनी पड़ती है उन्हें अपने साथ लेकर चलने की, ताकि हम वो कर पाए जो वो महसूस करते हैं कि हमसे करने की अपेक्षा है। इसलिए उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि तुम उन सबसे पीछा छुड़ाओ जो भयभीत है। मजे की बात यह है कि 32,000 में से 22,000 भयभीत थे, यह अच्छी संख्या नहीं है। यदि हम इन आंकड़ों के बारे में विचार करेंगे तब हम निश्चित रूप से समझ पाएंगे कि हम सभी को शायद वर्ष में कई बार न डरने के बारे में अच्छे संदेश सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि डर वो नियंत्रण करने वाली आत्मा है जिसके द्वारा शैतान लोगों पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है। बहुत से घिनौने दुष्ट आत्मा होते हैं जिनके भिन्न भिन्न काम होते हैं, पर मेरे विचार से डर सबसे बड़ी आत्मा है जिसे शत्रु इस्तेमाल करता है। मैंने ये पहले भी कहा था और मैं चाहती हूं आप इसे समझ लें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास करें और केवल विश्वास करें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हम विश्वास करें, हम विश्वास करें चाहे कितना भी समय लगे। वो चाहते हैं हम उनमें अपना विश्वास बनाए रखें। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जब हमें विश्वास होता है, और विश्वास हमें अक्सर बेतुका लगता है, ये कहने से मेरा मतलब है कि हम परमेश्वर से कुछ ऐसा करने का विश्वास करते हैं जो असंभव लगता है। विश्वास हमेशा परमेश्वर के काम करने के लिए एक द्वार खोलता है। हर बार आप किसी और के लिए सचमुच विश्वास से प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर के लिए एक द्वार खुलता है उनके जीवन में कुछ करने के लिए। बेशक उन्हें फिर भी परमेश्वर को वो करने देना होता है, पर हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जिन्हें समस्याएं होती हैं, और उनके लिए भी जो अपने लिए प्रार्थना करना नहीं जानते। हमें भटके हुए और ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जिन्हें अपने लिए प्रार्थना करना नहीं आता। दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करने की सेवकाई भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार आप निष्ठा से ये करते हैं वो परमेश्वर के लिए किसी ऐसे के जीवन में काम करने के लिए छोटा द्वार खोलता है जो ये नहीं जानता होता कि कैसे वो द्वार खोलना चाहिए अपने आप। डर होता है शैतान का विश्वास को विकृत करना। जब हम डरते हैं हम उस पर अधिक विश्वास करते हैं जो शैतान कहता है उसकी बजाय जो परमेश्वर कहते हैं, और हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम द्वार खोलना चाहते हैं परमेश्वर के काम करने के लिए अपने जीवन में। यीशु मसीह के विश्वासी के डर के प्रति केवल एक रुख हो सकता है जो ये होना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा।
मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। यदि आपको डर की समस्या हो रही है, मैं आपको प्रतिदिन 100 बार जोर से ये कहने की चुनौती देती हूं। आप इसे प्रतिदिन 100 बार कहना जारी रखिए, जब तक आप ये नहीं देखते कि आप एक सींह जैसे निडर हैं। मैं लोगों को क्यों जोर से वो कहने को प्रोत्साहित करती हूं जो परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि हम किसी और के कहने से अधिक उस पर विश्वास करते हैं जो खुद को कहता सुनते हैं। मैं यहां पर खड़े होकर आपसे कह सकती हूं, आपको डरना नहीं चाहिए, आप मुझ पर विश्वास करेंगे। पर यदि आप स्वयं को प्रतिदिन 100 बार कहना आरंभ करेंगे, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा, हर बार इसे कहने पर आपको प्राप्त होगा अधिक और अधिक और अधिक और अधिक साहस। परमेश्वर से सहमत होना सीखिए, वो कहना आरंभ कीजिए जो परमेश्वर कहते हैं, और वो करना बंद कीजिए जो शैतान। मैं उससे बेहतर प्रचार कर रही हूं जैसा आप दिखा रहे हैं। दो वचन है जिससे हम बहुत प्रचलित है, रोमियो 8:31 के अनुसार, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मुझे किसका डर होगा? जब हम इस वचन का उदाहरण देते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, बहुत खुश होते हैं, हमें उसके बारे में गीत गाने अच्छे लगते हैं। पर क्या हम उसके बारे में एक मिनट सोचेंगे? हम किसी साधारण व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। यदि परमेश्वर मेरी ओर है, कौन मेरे विरुद्ध हो सकता है जो मेरा एक बाल भी बाका कर सकता है? परमेश्वर ने बाइबल में इसके बहुत कारण नहीं बताए कि हमें क्यों डर में नहीं जीना चाहिए। इसका कारण जानते हैं? हमें जाकर इसके 20 कारण नहीं ढूंढने कि हमें क्यों नहीं डरना चाहिए। इसका एक ही बुनियादी कारण है, डरो मत, बात खत्म। डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, मुझे तुमसे प्रेम है। मैं विवश हूं, मुझे बहुत डर लगता है। देखिए, आपको यही बात समझनी है, आप डर अनुभव करते हुए भी भयभीत नहीं हो सकते, क्योंकि हम अपने शरीर से डर अनुभव करते हैं। हमारी पहचान हमारे नए जन्म आत्मा से प्रकट होती है। संभव है कि आप में से कुछ ने डर को राज करने दिया है अपने पूरे जीवन, और आपने उसके लिए बहाने बनाए हैं, मैं बहुत संकोची हूं। परमेश्वर कहते हैं, मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया, बल्कि शक्ति का, प्रेम का और एक स्वस्थ मन। मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। संभव है कि आप में से कुछ ने डर को राज करने दिया है अपने पूरे जीवन, और अपने उसके लिए बहाने बनाए हैं, मैं बहुत संकोची हूं। नहीं, ये शैतान है, और वो उस योजना को चौपट करना चाहता है जो परमेश्वर की आपके जीवन के लिए है। यदि परमेश्वर कहते हैं डर मत, तब आप जी सकते हैं डर को अपने पर नियंत्रण करे दिए बगैर। ये महत्वपूर्ण नहीं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है या आप कितने शर्मिले हैं, आपको भय में जीने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आमीन। आपको किसी व्यक्ति या वस्तु से डरना नहीं है। भजन 118, यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यदि हम समझेंगे कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं, तब हम बिना शंका के जान सकते हैं कि हमें डर में जीने की आवश्यकता नहीं है। 2 तिमुथियुस 1:7 के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रेम से जॉय स्मार मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं, और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं, और कई देशों में सुसमाचार पहुँचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी, और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।